हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, करेक्शन इन चेन सर्वेइंग। यह सर्वेइंग का वह टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से जरूर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आज के क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो लीनियर मेजरमेंट में कितने तरह के करेक्शन अप्लाई होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला के साथ में एग्जाम्पल भी हम लोग इस पर देखेंगे कि कौन 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 से इस पर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वन है लेंथ में करेक्शन, कि लेंथ में करेक्शन अप्लाई करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा। टेम्परेचर करेक्शन, पुल करेक्शन और सैग करेक्शन। देखिए, लेंथ में करेक्शन हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पे चेन की लंबाई में परिवर्तन हो, या तो चेन अपनी वास्तविक लेंथ से बड़ी हो या फिर छोटी हो। ठीक है, तो चेन का लेंथ में परिवर्तन होने से जो करेक्शन अप्लाई होगा उसको कहेंगे लेंथ करेक्शन। टेम्परेचर बढ़ने या घटने से जो करेक्शन अप्लाई होगा उसके लिए कहेंगे टेम्परेचर करेक्शन। पुल करेक्शन का मतलब चेन को बोथ साइड से पुल करने पर, चेन को खींचने पर यानी सीधा करते समय हो सकता है कि ज़्यादा उस पर पुल अप्लाई हो जाए, तो उस केस में जो करेक्शन अप्लाई होगा पुल करेक्शन अप्लाई करेंगे। और सैग करेक्शन, सैग का मतलब हुआ कि चेन प्रॉपर तरीका से स्ट्रेट नहीं हो पाता है, बीच में कुछ सैगिंग रह जाता है, तो इसके वजह से जो करेक्शन होता है उसको कहेंगे सैग करेक्शन। इन सबको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ट्रू इंटू ट्रू, रॉन्ग इंटू रॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, ट्रू लेंथ ऑफ चेन, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तब ये ज़्यादा जाके आपको क्लियर होगा। बस ये इतना याद रखिए, फॉर्मूला याद रखने के लिए इतना ट्रिक बनाया हुआ है, ट्रू को ट्रू से मल्टीप्लाई करना है, रॉन्ग को रॉन्ग से मल्टीप्लाई करना है। आपको किताब में अलग अलग तरह के बहुत सारे इस पर आपको दिख जाएंगे मेथड कि क्या क्या अपने अनुसार लोग बनाते हैं जिससे याद रहे। तो हमने जो सुटेबल लगा ट्रू इंटू ट्रू, रॉन्ग इंटू रॉन्ग का। यहाँ पर ट्रू लेंथ ऑफ लाइन होता है ट्रू लेंथ ऑफ चेन का होता है, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन के लिए यूज करेंगे। सेकेंड है टेम्परेचर करेक्शन, सी टी इज इक्वल टू अल्फा टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल, जहाँ पर अल्फा जो है कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, टी एम मेन फील्ड टेम्परेचर या फिर आपका मेजर टेम्परेचर, टी नॉट स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, कैलिब्रेशन टेम्परेचर कैलिब्रेशन, एंड एल जो होता है मेजर्ड लेंथ होता है, जितना लेंथ आपका मेजर किया गया है, चेन लेंथ भी होता है ये। ठीक है, पुल करेक्शन में सी पी, पी माइनस पी नॉट, पी जो है अप्लाइड पुल, पी नॉट स्टैंडर्ड पुल। ठीक है, ए जो है एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया चेन का, और ई जो होता है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस होते हैं। उसी तरह से सैग करेक्शन में डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल, जहाँ पर डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू जो होगा, डब्ल्यू के लिए वेट ऑफ द चेन होता है और एल जो है लेंथ, मेजर्ड लेंथ होता है या फिर चेन लेंथ होगा अगर मेजर्ड लेंथ नहीं है तो, और पी एम स्क्वायर, पी एम का मतलब होता है टेंशन या फिर पुल अप्लाइड। जो देखिए ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब इस पर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं अपने एक एग्जाम्पल पे, देखते हैं कि इसका अप्लाई किस तरह से करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मेजर्ड विथ ए 20 मीटर चेन, 20 मीटर के चेन से मेजर किया गया, वाज रिकॉर्डेड एज 327 मीटर। यानी कि कोई चेन का डिस्टेंस को मेजर किए किसी डिस्टेंस को 20 मीटर चेन से, तो यह देखने को मिला 327 मीटर का है। इट वॉज आफ्टरवर्ड फाउंडेड, उसके बाद यह देखा गया कि चेन वॉज 3 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, यानी कि चेन जो है 3 सेंटीमीटर अपने वास्तविक लंबाई से ज़्यादा है। तो वाट वॉज द ट्रू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, तो उसके बीच का ट्रू डिस्टेंस क्या होगा। देखिए लीनियर करेक्शन मेथड में यह अब तो लीनियर है, यानी कि हमें जो अप्लाई करना होगा, जो हमने बताया कि ट्रू इंटू ट्रू बराबर रॉन्ग इंटू रॉन्ग का, यानी ट्रू लेंथ ऑफ लाइन होगा, ट्रू लेंथ ऑफ चेन होगा, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन का और रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन का। ट्रू लेंथ ऑफ लाइन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितना है, ट्रू लेंथ ऑफ चेन देखिए, ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितना है 20 मीटर का है, ट्रू लेंथ ऑफ चेन यहाँ पर लिख देंगे कितना 20। रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन कितना दिया हुआ है 327 मीटर, तो यहाँ पर अप्लाई करना है 327 मल्टीप्लाइड बाई रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन, चेन का रॉन्ग लेंथ क्या हो जाएगा, चेन पहले से कितना था 20 मीटर का और 3 सेंटीमीटर इसमें बढ़ गया है, वास्तविक लंबाई से बढ़ गया है, तो 20 मीटर में 3 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो यह बनेगा 20.03 का। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ से कैलकुलेशन करके, यहाँ से जब टीएल निकालेंगे तो यह आ जाता है आपको वैल्यू 327.49
मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रू लेंथ ऑफ लाइन हो जाएगा जब चेन 20 मीटर के चेन 3 सेंटीमीटर अपने वास्तविक लंबाई से बड़ी हुई मिलती है तब। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं तो कहता है कि जब किसी चेन से द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, दो स्टेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वह 1200 मीटर है जब इसको नापा जाता है 20 मीटर से, एंड द सेम डिस्टेंस वाज मेजर्ड, यानी सेम डिस्टेंस को मेजर करता है जब 30 मीटर के चेन से, तो यह डिस्टेंस निकल के आता है कितना, 1195 का। अगला क्वेश्चन कहता है इसी क्वेश्चन का पार्ट ये अगला पॉइंट है कि अगर 20 मीटर के चेन में 5 सेंटीमीटर का एरर आता है, टू लॉन्ग यानी कि बढ़ा हुआ मिलता है 5 सेंटीमीटर, तो 30 मीटर के चेन में कितना एरर होगा, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस वाज 1200 मीटर, दो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस 1200 मीटर नापा जाता है 20 मीटर के चेन से। ठीक है, सेम डिस्टेंस को 30 मीटर से नापता है तो 1195 मिलता है। कहता है कि अगर 20 मीटर के चेन में 5 सेंटीमीटर का एरर है तो 30 मीटर के चेन में कितना एरर होगा इसी लाइन को मेजर करते समय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए, तो पहले हम लोग निकालते हैं क्या, 20 मीटर वाले के लिए हमें तो एरर पता है 5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम पहले 20 मीटर का हम काम करें तो क्या लिख सकते हैं, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इंटू ट्रू लेंथ ऑफ चेन बराबर रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन इंटू रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन। ट्रू लेंथ ऑफ लाइन हमें निकालना है, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितना दिया है तो 20 मीटर, यहाँ पे लिख दिया हमने 20। रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन हमें कितना दिया है 1200। देखिए, इसको रॉन्ग लेंथ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वास्तविक लेंथ हमें पता नहीं है, एरर वाले चेन से नापा गया है, इसीलिए क्या है ये रॉन्ग लेंथ होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 1200। ठीक है, और रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर बढ़ा है अपने वास्तविक लंबाई से, तो 20 में 5 सेंटीमीटर हमें जोड़ना पड़ेगा, तो क्या लिख सकते हैं 20.05। ठीक है, 20.05 इसको लिखेंगे, तो यहाँ से हम ट्रू लेंथ निकाल सकते हैं, ट्रू लेंथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये जाएगा डिवाइड में यहाँ से 20, तो यहाँ से जो ट्रू लेंथ हमें निकलेगा वो निकल के आएगा 1203 मीटर का। ठीक है, देखिए ये 1200 मीटर नापा गया है 20 मीटर के चेन से, उसमें कितना एरर था 5 सेंटीमीटर का, तो हमें जो मिला ट्रू लेंथ वो कितना मिला 1203 मीटर का। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है कि 20 मीटर के चेन में तो एरर दिखा दिया कि 5 सेंटीमीटर का था, कहता कि सेम लाइन को मेजर करते समय 30 मीटर से जब मेजर किया, देखते हैं कि अब 30 मीटर चेन के लिए 30 मीटर से मेजर किया तब इसके लिए देखिए ट्रू लेंथ क्या होगा। अब इसके लिए जो ट्रू लेंथ लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू लेंथ इंटू में ट्रू लेंथ ऑफ चेन बराबर होगा रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन इंटू रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन। ठीक है, तो इसके लिए ट्रू लेंथ अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 1203 मीटर का। ठीक है, और ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 30 मीटर, 30 मीटर के चेन से मेजर करते हैं। रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन कितना होगा, रॉन्ग लेंथ यहाँ पर मेजर किया गया देखिए 1195, और रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन कहता है रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन कितना होगा, तो रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन में देखिए 30 मीटर का चेन है और प्लस जो एरर होगा हम उसको क्या मानते हैं, एक्स मान लिए जो इसमें एरर होगा। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ये देखते हैं कि 30 प्लस एक्स का जो वैल्यू आता है हमारे पास वो मिल के आ गया, यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इसके लिए हमें जो कैलकुलेशन होकर के मिला वैल्यू 30.20 मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे, x की वैल्यू को तो आ जाएगा 0.2 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो इसमें एरर होगा 30 मीटर चेन में जो एरर होगा, देखिए कितना ज़्यादा एरर है, 30 मीटर का चेन है 30.20, यानी कि 20 सेंटीमीटर का एरर है यहाँ पे। 20 मीटर वाले में कितना एरर था, 5 सेंटीमीटर का, और जबकि 30 मीटर वाले में कितना का एरर दिखने को मिला, 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में कहता है ए लाइन वाज मेजर्ड, किसी लाइन को मेजर किया गया है 20 मीटर चेन से, वाज एक्यूरेट बिफोर द स्टार्टिंग द डेज वर्क, जब काम शुरू किया गया था तब क्या था, ये एक्यूरेट था यानी कि उस समय कोई भी एरर नहीं था, लेकिन आफ्टर चेनिंग 900 मीटर, जब 900 मीटर का चेनिंग कर लिया गया तब देखा गया कि 6 सेंटीमीटर चेन जो है अपनी वास्तविक लंबाई से बढ़ गई है। आफ्टर चेनिंग ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 1575 मीटर का, जब चेनिंग कर लिया गया टोटल डिस्टेंस, यानी कि सर्वे जब स्टार्ट किया गया किसी लाइन पर ए से बी तक मेजर किया 900 का,
ठीक है, और टोटल डिस्टेंस को मेजर किया है 1575, ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से 1575 का टोटल डिस्टेंस, ठीक है, 20 से, तो 20 से सी कितना हो जाएगा, तो 1575 में से 900 घटा देंगे तो बच जाएगा कितना, 675, ठीक है। स्टार्टिंग में जब शुरू किया गया चेन तब यहाँ पर एरर कुछ नहीं था, एरर यहाँ पर जीरो था, ठीक है, तो चेन का जो वास्तविक लंबाई था वही इसकी हमारी चेन का ओरिजिनल लेंथ था, लेकिन जब 900 मीटर का चेनिंग किया गया तब यहाँ पर एरर आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर चेन बढ़ गया, और जब टोटल डिस्टेंस मेजर किया गया तो यहाँ पर चेन बढ़ गया कितना, 14 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर इस पॉइंट पे बढ़ जाता है। तब कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द ट्रू डिस्टेंस ऑफ लाइन, तब इस लाइन का ट्रू डिस्टेंस निकालना है, यानी 1575 मीटर जो था ये कितना डिस्टेंस इसका होगा ओरिजिनली अगर चेन अपना सही रहता तो, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहले हम फर्स्ट हाफ के लिए करेंगे ए से बी तक के लिए, फिर हम करेंगे बी से सी के लिए, देखते हैं। तो पहले जब हम ए से बी के लिए करते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इंटू ट्रू लेंथ ऑफ चेन बराबर रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन इंटू रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन का। ट्रू लेंथ ऑफ लाइन हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन हमें निकालना है, इसको TL लिख लेते हैं। ट्रू लेंथ ऑफ चेन का मतलब कितना लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 मीटर का चेन, चेन से नापा जाता है बराबर। रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन कितना है, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन हमें जो निकाले कितना था, ये आ गया था 900 का, एंड रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन, चेन कितना रॉन्ग होता है, देखिए 20 मीटर का चेन था, 20 मीटर का चेन था, इसमें स्टार्टिंग में तो जीरो एरर था, कुछ नहीं था, लेकिन जब 900 मीटर का नाप मेजरमेंट कर लिया गया तब इसमें जो एरर आया 6 सेंटीमीटर का एरर आ गया, और दोनों का हमने क्या लेना होगा, एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू करने के लिए 2 में डिवाइड कर दिए, और ये वैल्यू होगा किस में, सेंटीमीटर में, ये आ गया 20 मीटर में और ये हो गया क्या, सेंटीमीटर में, इन दोनों को ऐड कर लेना है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू होगा ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इंटू 20 बराबर 900 इंटू, अब देखिए 20 में 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 0.20.03 का, ये कुछ बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से हम ट्रू लेंथ ऑफ लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू आ जाता है 901.35 मीटर, ठीक है। तो ट्रू लेंथ फर्स्ट हाफ का हमारे पास में आ गया कितना, 901.35 मीटर का, ठीक है। तो उसके बाद अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं बी से सी के लिए, बी से सी के लिए क्या होगा, देखिए इसको आप रिमेंबर याद रखिए, कहीं लिख लीजिए, 901.35 होता है। नेक्स्ट में चलते हैं बी से सी का, बी से सी के लेंथ के लिए हमारे पास में देखिए फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, ट्रू लेंथ ऑफ चेन, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन इंटू रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन का। लाइन ट्रू लेंथ हमें पता नहीं है, ट्रू लेंथ हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। ट्रू लेंथ ऑफ चेन, चेन हमारा कौन सा है, 20 मीटर का ही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो यहाँ 20 लिख दिए। रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन कितना है, देखिए जितना था 1575, इसमें से 900 घटाए थे तभी ना बी सी आया था, तो आ गया था कितना, 675। अब देखिए रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन क्या होगा, यहाँ 20 में जोड़ेंगे कितना, पहले कितना था 6 सेंटीमीटर, बाद में कितना आया 14 सेंटीमीटर, और इसका क्या करना है, एवरेज इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए TL की जगह TL, 20 मीटर का चेन था, 675 हमारा ये पहले का वैल्यू जितना है, और इसको जब हम कैलकुलेट किए तो 20 पॉइंट कितना हो जाएगा, देखिए 14 और 6 20/2 यानी कि 10, 20.1 हो जाएगा ये, ठीक है, 20.10। अब इसको कैलकुलेट करके, इसको जब कैलकुलेट किए तो यहाँ से ट्रू लेंथ हमें निकल गया, इसको कैलकुलेट किए तो ट्रू लेंथ आ गया 678.375 मीटर का। अब देखिए ट्रू लेंथ ए बी का और ट्रू लेंथ बी सी का, ट्रू लेंथ ए बी का कितना आया था, 901.35 मीटर, तो ये आ गया दोनों आपका ट्रू लेंथ। अब पूछेगा कि टोटल ट्रू लेंथ, क्वेश्चन में क्या कहा है, ट्रू डिस्टेंस ऑफ लाइन यानी कि लाइन का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को हमने जोड़ देना है, तो टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाता है दोनों को जोड़ने के बाद 1579.5
7 to 5 meter, ठीक है। तो ये आपका आ गया टोटल डिस्टेंस टू डिस्टेंस। देखिए टोटल डिस्टेंस था कितना 1575 मीटर, लेकिन करेक्शन करने के बाद हमें दिखा कि वो टोटल डिस्टेंस 1575 नहीं था, 1579.725 मीटर में था, यानी कि 4.725 मीटर एक्स्ट्रा था जो कि चेन वो मेजर नहीं कर पाया था अपने एरर होने के वजह से। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।